So in this question, we have to calculate the mean deviation from the median of the following data. तो अपन को data क्या दिया है? Wages दिए हैं per week के और number of workers दिए हैं. तो number of workers कुछ नहीं, frequency है और ये class दी है अपन को, ठीक है. अब सबसे पहले अपन ने क्या किया है, एक tabular form में data को लिखा है पूरे को, ठीक है, जिसमें अपन ने xi सबका निकाल लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको xi निकालना आता होगा, इसलिए मैं इसमें time waste नहीं. तो एक्स आई है अपने पास. अब अपन को मीडियन के अबाउट फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करने निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 6 प्लस 4 यानी 10, फिर 20, फिर 20 प्लस 20 यानी 40, 50, 56 एंड 56 प्लस 4 इज फर्दर इक्वल टू 60. तो अपना यहाँ पे n इज इक्वल टू आ गया 60, ठीक है. तो n अगर 60 है तो मीडियन का रिसाइड करेगा, मीडियन डिसाइड करेगा n बाई 2 पे, विच इज फर्दर इक्वल टू 30. तो 30 देखते हैं कौन सी क्लास में आ रहा है. तो 30 तो कोई है नहीं, लेकिन 30 के जस्ट अबव आती है 40, तो मीडियन क्लास हो गई अपनी 40, ठीक है. तो मीडियन क्लास अपनी 40 है. तो सबसे पहले अपन मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है. तो अपने पास मीडियन क्लास है 40, ठीक है. मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, ठीक है. और मीडियन क्लास है अपनी 40 से 50. तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, ठीक है. तो ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए. एल होता है लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर क्लास, ठीक है. एन बाई टू अपन को पता है, ठीक है. बड़ा वाला f, जो ये वाला f है वो है जो अपनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसकी जस्ट अबव, जो फ्रिक्वेंसी है ना जस्ट अबव क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो है, ठीक है. तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मीडियन क्लास, ठीक है. और छोटा वाला एफ है फ्रिक्वेंसी, ठीक है. और एच है हाइट ऑफ क्लास, ठीक है, हाइट ऑफ क्लास, ठीक है. अब ये सब आपको पता होगा इसीलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है. तो आगे चलते हैं अपन. अपन तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू. एल कितना हो गया अपना, लोअर क्लास यानी 40, प्लस एन बाई टू 30 आया था अपना, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मीडियन क्लास, तो वो ये हो गई यानी कि 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, तो ये आ गई 20 और हाइट ऑफ क्लास है 10, ठीक है. तो इसको अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 45. तो अपना मीडियन कितना आ गया 45, तो अपनी एम की वैल्यू आ गई 45, ठीक है. ये है मीडियन क्लास, ठीक है. तो अब अपन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे सबका. तो डेविएशन जब फाइंड आउट करेंगे तो सबका अपन ने एक्स आई क्योंकि पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अपन को बस इस फॉर्मूले में पुट आउट करके इसमें एक्स आई माइनस एम में सबको पुट करना है. तो अपना क्या निकल आएगा, डेविएशन निकालेगा हर क्लास का, ठीक है. तो 15 माइनस 45 हो जाएगा अपना 30, ठीक है, क्योंकि अपन मॉड ले रहे हैं तो 30 पॉजिटिव का आएगा. 25 माइनस 45 हो जाएगा 20, 35 माइनस 45 इज 10, 45 माइनस 0, 55 माइनस 45 इज 10, 65 माइनस 45 ही आ जाएगा 20 एंड 75 माइनस 45 आ जाएगा 30, ओके. तो अपन ने सारे डेविएशन फाइंड आउट कर लिए. अब अपन एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट करेंगे. तो 30 इंटू 4 हो जाएगा 120, यहाँ पे भी आएगा 6 इंटू 20 हो जाएगा 120, 10 इंटू 10 इज 100, 20 इंटू 0 इज 0, 10 इंटू 10 इज 100, 6 इंटू 20 इज अगेन 120 एंड 4 इंटू 30 इज अगेन 120. अब अपन सम फाइंड करेंगे किसका, ओवरऑल फ्रिक्वेंसी इंटू डेविएशन का, ठीक है. तो अपन को इसका सम निकालना है. तो सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई का मॉड फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन. तो इन सबको जब अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना,
ये हो जाएगा 120 इंटू 4, क्योंकि 4 बार आ रहे हैं, और 100 इंटू 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आ गया अपना 480 प्लस 200 विच इज फर्दर इक्वल टू 680। अब अपन क्योंकि मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है अपन को, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई का मॉड फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन अपॉन सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, सम ऑफ एफ आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन, ठीक है। तो ये जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ऊपर वाला तो आया था अपना 680 और नीचे टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी आई थी अपनी 60, तो ये कुछ आ गया अपना 34/3 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू 11.334। तो दिस द रिक्वायर्ड आंसर।